हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आजकल शायद अल्लाह मेहरबान है मेरे पे, अभी यहाँ पे बज रहे हैं 5 और आज भी मेरा पैकअप जो है वो जल्दी हो गया है, तो अभी भी भाग के मैं जाऊंगा घर पे और इफ्तार घर पे साथ में करूंगा। अच्छा है, अम्मी हमेशा बोलती है इफ्तार में याद आती है, सबको याद आती है। तो देखो अभी कई दिनों से छुट्टी हो रही है, ये हो रहा है और शायद ये सुनने में आ रहा है कर्फ्यू मेरा ऑफ है, तो कल का भी घर पे होगा। तो फिलहाल हम चलते हैं, तुम लोग के भी आराम हो रहा है बहुत। आराम नहीं जम रहा है, क्या करेंगे, आराम नहीं जम रहे, लॉकडाउन भी आता रहा घर पे, कंटाला और खर्चा भी होता है। तो तपन जी को खोपचे में ले लो फिर, तुम बोलता नहीं, आप खाली ऑर्डर दो। तो चलो अभी फटाक चलते हैं घर और फिर ये ब्लॉग आगे कंटिन्यू करते हैं। आप कौन से? अब आ गया मैं। भले आ गए बेटा, देखो सब सब उदास थे सच में। क्यों? सबकी सानुभाई नहीं है, सानुभाई नहीं है। आज हमने कहा चलो आज कुछ नहीं है, सब काट दे रहे हैं अकेले अकेले। देखो तुम आ गए, कब आ गए? जल्दी पैकअप हो गया, अब भी आया हूँ, जैसे ऊपर ही आया हूँ मैं अभी। कितना अच्छा सरप्राइज। अस्सलाम वालेकुम सबको, छोटे बड़ों को, अम्मी का प्यार भरा सलाम सबको, अल्लाह खुश रखे। क्या चल आज हम है? आज हम कैसा है पैर? अभी ठीक है, पहले ठीक है, सूख गया, अभी सूख रहा है, सूख रहा है। तुम पक्का? जल्दी घर मरवन ना कहा के बेटा, मैं बाप तो बैठी रहा नहीं, चूल्हा चौक पर का थोड़ा बना लिया। आवा कह रही कि सानू आ गया तो घर में रौनक आ गई, सुना सर था लाओ मैं काट दूं अभी, ठीक रहे ना काट। आपको क्या लगा नहीं आप में आपको तो लगा होगा नहीं आऊंगा? हाँ, किसी को यकीन नहीं था कि तुम आओगे आज, सुबह भी नहीं मिल पाए थे हम, नहाने चले गए थे। बेटी खाल ने बताया कि सानू आया था, सब उदास थे आज चुपचाप से, बस सानू भाई नहीं है, सुनो ऐसे कर लो, ऐसे कर लो बस। ब्रो अरे क्या कर रही है? अच्छा ये बैग के लिए थे आप सुबह? हाँ तुम नींद में थी, मिड विनिंग कर रहे हो? नींद में थी तुम? तो आज जब मैं वापस आ रहा था साइट पे से, तो मैंने मलाई पाव लिए हैं, क्योंकि इसको मलाई पाव बहुत पसंद है, लेकिन उस शॉप के नहीं है। अब वो मुझे नहीं पता, क्योंकि उस शॉप के लिए मुझे उल्टा जाना पड़ता और मैं जल्दी आना चाह रहा था घर पे पहुंच जाऊं टाइम पे। तो दूसरी एक शॉप है जहाँ पे मैं तुमसे बोलता था कि राइट लो टुवर्ड्स मिरर रोड, तो एक और है वहाँ पे। तो वहां से निकू ने बोला सर यहाँ से एक बार ट्राई करते हैं, लेते हैं ले लो, और वो दूध की बॉटल में लेके आया हूँ, तो अभी देखते हैं कैसा है वो। देखो और मैं अभी बोल रही हूँ, मैंने वो पैकेट में से 2 मलाई पाव निकाल के ऊपर रख लिए, बाकी मैं नीचे ले आई, मैं रात को खाऊंगी। सब अलग 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 रंग का है। आपका ही कैमरा ऑन होता है जब मैं ऐसा कुछ करती हूँ, तो रास्ता चलते गिर जाते हैं कपड़े में, क्योंकि कुछ भी गिर जाता है। बचा लिया, एक तो मेरी प्लेट में गिरा था। हाँ आ गया मैं, बिन बताया किसी को नहीं बताया, ऐसे ही आ गया था, सब कुछ हो गया, घर वाले सानू आ गया। अच्छा भाई तो कॉल नहीं थे? तो ट्रेन में था। ओ मैंने फोन किया, मैं बोला ट्रेन मिल गई, तो मुझे हाय ना सुनाई नहीं दिया, कहते बोलिए ना, मैं बोला घर आना काम है, कहते ठीक है। जी
लिखूंगी। सर कपड़ा देखे गया, आपको काम से बुलाया था हमने। कौन सा काम है? क्या है सर? देखो डब्बा दिख रहा है, डब्बा ही है बस, वही है सर। उसने जब हमारे सेट पे आग लगी थी तो इसका फोन जो है वो टूट गया था, हेल्प करते करते हम सब लोग लगे हुए थे और इसने मुझे बताया नहीं था। तो कुछ दिन बाद मैंने देखा कि इसका दिखा फोन, दिखा वाला ये नहीं, नहीं वाला। तेरा वाला ये, तो ऐसे ही मैंने हाथ में आया तो ऐसे कर्व था, नहीं कर्व कैसे हो गया तो बता नहीं रहा था, ये कवर निकाल के देखा तो ये हाल था इसके फोन का। और टेढ़ा भी हुआ है ना, टेढ़ा भी हुआ है पूरा। तो इसको अब हटा दो इससे पहले कि लग जाए, और वो रहा आपका नया फोन, वही है ना सेम? हाँ सेम। हाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं सर। तो ये था आपका काम, अभी आप जा सकते हैं घर अगर जाना चाहें तो। देखो अगर कल छुट्टी नहीं होती ना तो हम तुम्हें कल दे देते, पर कल छुट्टी है तो मुझे लगा छुट्टी के दिन सर को भी लगा कि छुट्टी के दिन थोड़ा फोन वोन सेटअप कर लेगा, जितना भी नंबर है सब इधर से उधर कर लेना। हाँ। नंबर नहीं है, नहीं है। चलो भाई मैं मिलते हैं परसों मिलेंगे, कल शूट हुआ तो कल तुम्हें आना है तो आ जाओ, हम तो ही हैं और कहाँ जाएंगे हम। उठ गया अभी चाय पी के, थोड़ी नींद जो है वो चली गई, थकान हो जाती है। कल रात में भी अच्छे से सोया नहीं मैं, सहरी के बाद ही ऑलमोस्ट सोया, फिर भी सुबह शूट पे चला गया। एंड शूट पे आज बहुत रोने धोने वाले सीन थे यार, बहुत ज्यादा रोने धोने वाले, चिल्लाने वाले, रोने धोने वाले, तो थोड़ा सा ड्रेन टायर्ड हो गया था। बस अभी चलते हैं, कल जो है ऑफ है तो कल जाना है अम्मी का फर्नीचर जो है वो बुक करने, तो अभी दीपक देख ले कैसा है क्या है घर कहाँ तक पहुंचा है। दीपिका को देखा है? मैंने देखा नहीं, तो मैंने कहा चलो मैं देखता हूँ तो आपको भी दिखा देता हूँ कहाँ तक चीजें पहुंची है कहाँ तक नहीं पहुंची है। इंशाल्लाह 15 डेज मोर हो जाना चाहिए कंप्लीट, फिर उसके बाद अम्मी उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। बाद में देखेंगे, तुमने अभी हमें बुला लिया। कल जाना है, कल छुट्टी है ना, कल सब आपका काम करना है, फर्नीचर देखने है, सोफा देखने, सब देखने, तुमने एक बार देख ले कहाँ कितना साइज कैसा क्या है, उस हिसाब से फिर कर देंगे। देखो बाद में कर जाएंगे, बस अपनी कार नहीं दिखेंगे, तुम लोग भी देखोगे यहाँ से करते हुए, आने लगेंगे तो वहाँ से ज्यादा यहाँ डगले जाएंगे फिर, है ना? अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा। दीपिका से क्या बोला था तो मुझे सीढ़ी बनवा दो, चलने की पूरा फ्लैट वो इस घर में पॉसिबल नहीं की, ये बीम नहीं तोड़ सकते उसको। अभी यहाँ पे सीटिंग कैसी करनी है वो डिसाइड करो, यहाँ पे एल मत करो, एल करो तो ये कम हो जाएगा पूरा, क्यों अम्मी यहाँ पे वैसा नहीं रखे ना, ऐसा और ऐसा वाला नहीं रखते, ये कवर हो जाएगा, खुला ये खुला रहे, ये खुला रहे, तो ऐसे वाला रखते हैं। हाँ ऐसे वाला। और यहाँ यहाँ पे एक दो चेयर जो मिल जाए वैसे, और सामान हटाओ भी नहीं आप, हम लाते हैं सोफा कुर्सी हम उठा के कोने में रख देती है, तो इस बार वैसे बड़ा सोफा ना लाके हम नहीं उठाते, ये भी जिम्मेदार है और यहाँ पे टीवी का एक यूनिट बनवा दूंगी, और इधर कोने में भी ऐसे आएगा तो यहाँ पे एक टीवी वाली होगी, यहाँ पे भी फ्लाई डल रहा है फोर्थ सेंटर का झूमर, लाइट नहीं है अभी देख लो किचन में, लाइट नहीं है, कोई बात नहीं। अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये तो आपका सब हो गया है, ये बन के आ जाएगा इंशाल्लाह 8-10 तारीख तक। अभी मुझे बताओ आपको जो स्टोव है वो ऊपर रखा हुआ चाहिए या जैसे मेरे घर में अंदर धंसा हुआ है वैसा चाहिए? उसको बताओ कैसा रखो, उठा हुआ है, उठा हुआ क्यों? उसमें मतलब खोलने में अंदाज मिले ना मिले कैसा हो कैसे, ये लोग भी रहती है साथ में। एक बार आप अभी आओगे ना घर में तुम्हारा वाला पहले सीख, एक बार देखो
हाँ पूछो उनसे पूछो जो गैस है अम्मी जो अभी यूज करती है वो इसे उठा हुआ है उठा के रख दो और जो हमारा ऊपर एक जमीन में धसा हुआ है तो वो करवाए धसा हुआ वाला ना वो अच्छा लगेगा फिर से लगेगा और क्या तो वहाँ आपका नीचे मशीन आ जाएगा वो ऊपर आप अपना जो भी रखना रख सकते हो। इस कमरे में इधर अपना पूरा कबर्ड आ गया, इस तरफ पूरा कबर्ड आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने उनको बोला है एक ड्रेसिंग टेबल बनाने के लिए, इधर पे बेड कहाँ से आएगा? इस कमरे में बेड नहीं है, बेड चाहिए आपको इसमें? नहीं, उनको बेड नहीं चाहिए। फिर यहाँ एक नमाज के लिए मतलब एक होना चाहिए, जैसे बेड नहीं चाहिए। हाँ, तो मैं क्या बोल रही हूँ रोज कुछ बता देंगे ना। हाँ हाँ, एक सोफा कम बेड, सोफा कम बेड, एक सोफा रख दो। हाँ हाँ, सोफा कम बेड या तो उस साइड या इस खाचे में सोफा कम बेड परफेक्ट आ जाएगा। नहीं तो इस साइड रखो, रीजन क्योंकि इस साइड कवर पड़ेगा अगर सोफा कम बेड आप, तो उस साइड आप बड़ा नहीं रख सकते, आपको सिंगल बेड रखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, बड़ा नहीं चाहिए, एक ही एक सिंगल चाहिए वो समझिए। हाँ दादा सही था, कावा उस तरफ आएगा। तो मैं क्या, अगर आप लोग खोलते हो तो सर उधर पैर इधर करके सोना। हाँ तो ऐसे बेड लाएंगे, ये इंडियन वाला वॉशिंग। हाँ ये सेट हो गया, इसमें बेड ऐसे रखना, जैसे ही आएगा जैसे ही आएगा। हाँ देखो वो वॉल क्लीन करवाई ना मैंने, ये वॉल ये हमने प्लेन की है, ये दीवार है तो वो ऐसे ऐसे होता है तो बेड नहीं आ सकता, तो ये हमने प्लेन पूरा यहाँ तक किया है। इधर टीवी, बीच वाले रूम में टीवी नहीं चाहिए ना? नहीं नहीं, तो इस रूम में टीवी, एक उधर हॉल में, हॉल में यहाँ बस पापा के लिए थोड़े दिन चाहिए, फिर आप लोग को आगे भी सुना। हाँ, और इस बार आपका डिश टीवी लग रहा है तो वो केबल वाले से कोई टेंशन ही नहीं, आज ही नहीं आया। हाँ आज ही या जो भी सब सब हो जाए, वो तो कल ही लग जाएगा क्योंकि वायरिंग अभी ही होनी है। अच्छा, मुझे ये चिंता नहीं रही, खाली करना है आपको कोई टेंशन नहीं, खाली खाली नहीं, मतलब जो अल्लाह के करम से जो हमें मिला होगा। आप 2015 से हम वहीं रह रही हैं। हाँ वहीं, ये भी बहुत बड़ी बात है, अल्लाह तआला आप लोग से भरे तो उन्हें एक बार नहीं कहा खाली कर दो, अब इसे मुझे और मतलब सुकून आएगा अपना। हम अंदर रहेंगे, कुर्सी डाल दे, हम लोग यही खाना चौड़ी क्योंकि मैंने ऊपर बैठी करेंगे, हम लोग यही बैठेंगे अपनी के नीचे, हम जब बन जाएगा तुम्हारे सामने सब कुछ हमारे सामने हो जाएगा। साल ने मुझे आधे दिखा दिया, थोड़ा थोड़ा सा लगा है उस वाले से, याद है पापा के कमरे में, पापा वाले कमरे में देखो तो बीच में पिलर है, इसको देख लकड़ी मार के बराबर दबा दिया। सोचे वो दिन की मेरी तमन्ना पूरी होती, कहाँ मिलता रिक्शा तो नहीं मिलते, बहुत मुश्किल से मिलते हैं, एकदम खाली हुआ मिल भी गया। अल्लाह लाख लाख शुक्र है, यही दुआ करती हूँ अल्लाह से, बता रहा सबको ऐसे ही खुश रखे। तुम्हें दिखा के जब कारपेट आएगी बाहर वाले भाई, मुझे नहीं पता कारपेट वो आपकी सपोर्टर है ना, कारपेट अच्छी लगती है, लुक अच्छा आता है कारपेट से, कारपेट जैसे हमारे मुंह पर चौकी के नीचे ऐसी काली रहेगी, पड़ी रहेगी वो आप रोज जाओगे सफाई करते वो जिंदगी रिजल्ट होगी, ये रिजल्ट कारपेट होनी चाहिए, वहाँ हटना नहीं चाहिए, अगर भूल जाएगा तो याद दिला देना। तुम लोग भी डिस्कस कर लेना, अगर अम्मी को ऐसा लग रहा है कि कुछ चेंजेस चाहिए वो अकेले में बैठ के डिस्कस कर लेना है तो फिर मुझे बताना। ये ना हमेशा एक रिचुअल हो गया है भगवान के इलेक्शन से कि नदीम भाई आते हैं इससे पहले और सबके लिए गिफ्ट लेके आते हैं, क्यों? बिल्कुल, ये आज भी बिल्कुल। तो तुम्हें पता था ये सरप्राइज मुझे रही है? नहीं, मुझे शाम में इन्होंने मैसेज किया था कि आप घर पे हैं ना, मैं आ रहा हूँ, तो मैंने बोला हाँ है। ये सब इंतजार कर रहे भाई का। तो चले गए नदीम भाई, ये देखे गिफ्ट, ये आपको दिखाएंगे बाद में क्या है कैसे हैं। तो बस चलिए इस ब्लॉग को मैं ही पे एंड करता हूँ,
और आज देखो आज मैं जिम नहीं गया। आज तुम्हें शर्त रख लेनी चाहिए थी, बाय द वे तुम्हारी शर्त की पनिशमेंट अभी बची है। अरे आप करना चाहिए, याद कर लेते हो गई बात, याद की बात दी। हाँ ठीक है, तो बस चलिए अभी कल फिर बहुत लंबा दिन है क्योंकि कल पूरा सुबह से निकलना है, सारे काम करने हैं, कल वो कर लेते हैं और बस जल्दी मिलते हैं। आज भी आज मुझे पूरा उम्मीद थी, पूरा उम्मीद नहीं, मुझे पूरी यकीन था कि आज ब्लॉग नहीं आएगा क्योंकि मुझे नहीं पता था कि जल्दी पैकअप हो जाएगा, मैं घर आ जाऊंगा और ब्लॉग बन जाएगा, बट कोई नहीं बन गया अच्छा सा ब्लॉग है कि नहीं। तो इसको देखिएगा, पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जल्दी मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए, जो मर्जी आओ करिए, सही चीज गलत चीज नहीं, पेरेंट्स को प्यार कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनका वक्त बताइए, हंसी मजाक कीजिए, रमजान का महीना है, सबको दुआओं में याद रखिए, खुश रहो, बस अल्लाह हाफिज अंकित।